Welcome to our channel Next Generation Study. This is the sixth video of this video series Protection of Women from Domestic Violence 2005. अगर आपको इस वीडियो की PDF या PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट एंड व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड। फिर हमने जाना कि डेफिनेशन गिवन इन दिस एक्ट। तीसरा हमने वीडियो में जाना कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द सेक्टर्स विच कैन बी कवर्ड, व्हाट आर द थिंग्स विच कैन बी कवर्ड इनटू द डोमेस्टिक वायलेंस। फिर हमने शेयर हाउस होल्ड एंड रिस्पोंडेंट का डेफिनेशन जाना और उसका मतलब समझा। एंड फिर हमने जाना कि नॉट ऑल लिविंग रिलेशनशिप आर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एंड हमने इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें गाइडलाइंस दी उस गाइडलाइंस को हमने जाना। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज DIR। अ DIR और अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इज द ऑफिशियल फॉर्मेट इन विच द कंप्लेंट विल बी रजिस्टर्ड। दिस इज सिमिलर टू FIR। ये बिल्कुल ही FIR की तरह सिमिलर होता है, बट इसमें जो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है जिसमें ना एग्रीड पर्सन या जिस पर्सन के साथ प्रताड़ना हुई है या जिस पर्सन को टॉर्चर किया गया है, उसको तंग किया गया है, वो एक वुमेन होगी बेसिकली इस एक्ट में। तो उसके द्वारा जब भी किसी एक विक्टिम किसी भी एक रिस्पोंडेंट या किसी भी एक परपिट्रेटर के अगेंस्ट जो कंप्लेन फाइल की जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन इसी DIR के अंदर दिया जाएगा। इट हैज टू बी साइन बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, अ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हु फिल इट इन। बेसिकली ये जो DIR होता है, ये DIR सिर्फ दो पर्सन के द्वारा फिल इन किया जा सकता है, वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे, और रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है ये भी हम लोग आगे जानेंगे। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट कैन ओनली बी फिल्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। The format of the DIR is provided in form number 1 of the Protection of Women from Domestic Violence Act की form number 1 में दिया गया है इसका परफेक्ट फॉर्मेट। उसमें बताया गया है कि कैसे ये DIR फाइल की जाए। DIR is a mean to be faithful record of what the woman says. It means all the complaint must be recorded इन नॉन बाइस्ड मैनर। मतलब DIR बेसिकली बनाने का मतलब था कि इसमें जो भी रिकॉर्ड की जाए, जो भी स्टेटमेंट एक महिला दे रही है वो जो रिकॉर्ड किया जाए वो नॉन बाइस्ड वे में हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, उसके साथ कोई तरह का चेंज नहीं किया गया हो। DIR इज टू बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। DIR जो है एक मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू। अ कॉपी ऑफ DIR इज टू बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द जुडिशल। जिस एरिया में ये क्राइम हुआ है, जिस एरिया में ये जो महिला को तंग किया गया, टॉर्चर किया गया, और महिला जिस एरिया से वो कंप्लेन फाइल करवाई है उस एरिया के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको इसका एक कॉपी DIR का कॉपी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस मतलब एक्ट में ये बात लिखी गई है। इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिकॉर्ड द DIR, अगर सर्विस प्रोवाइडर DIR को रिकॉर्ड करता है, इट मे फॉरवर्ड इट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द मजिस्ट्रेट। जब भी एक सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक NGO होता है जो रजिस्टर्ड होता है, वो रजिस्टर्ड NGO जब भी एक DIR रिकॉर्ड करता है उसका काम है कि उसको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोवाइड करा देना एंड मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करा देना इस एक्ट के अंदर। इफ द वुमेन सो डिजायर, the PO, the protectional officer, or SP, the service provider, can assist a woman to file an application for relief after recording a DIR. अगर एक वुमेन चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या SP को रिक्वेस्ट कर सकती है और वो उस वुमेन को असिस्ट कर सकते हैं कि रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जब DIR फाइल हो जाए। The DIR must be annexed to the application filed in the court in such case. DIR जो है वो अटैच कर देना होता है, साथ में लगा देना होता है जो एप्लीकेशन हम लोग कोर्ट में फाइल करते हैं उस केस के साथ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इससे रिगार्डिंग पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और हम लोग डेली इंस्टा पे क्यूज डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इंस्टा पे भी फॉलो करें और हमारे क्यूज को आंसर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।